गीत तो बहुत गा लिए, अब गीता गाएं। गीत हमें अच्छे लगते हैं, अपनी मन स्थिति के अनुकूल गीत गाते रहते हैं। कहते हैं गीत गाने से मन हल्का होता है, चित्त शांत होता है, उत्साह बढ़ता है। लेकिन गीत तो बहुत गा लिए। गीतों के साथ संगति देने वाले, स्वर में स्वर मिलाने वाले भी मिल गए, पर कुछ हुआ नहीं। मन भारी का भारी, चित्त चंचल अशांत, उत्साह शिथिल, और इन सब के कारण वही दुर्गति, ना ऊपर उठे ना आगे बढ़े। संतुलन की स्थिति चित्त को ना मिली, उत्साह ना आ सका। किसी ने कहा प्रभु को पुकारो, अपनी शक्ति काम नहीं करती तो उसे बुलाओ, प्रभु हमारी पुकार सुनेंगे तो उबार लेंगे। हम भक्ति के गीत गाने लगे, पर विश्वास हिल उठा, गला बैठने लगा, लेकिन स्थिति बदली नहीं। आखिर क्यों, क्या वह सुनता नहीं? अरे नहीं, वह सुनता है और देखता भी है। हम ही हैं अभागे, जो देखते भी नहीं और सुनते भी नहीं। अपने गीत गाने में इतने खो गए हैं कि उसकी गीता के स्वर सुनाई ही नहीं देते। कानों पर से हाथ हटाएं, कोलाहल के बीच उभरती हुई उसकी वाणी सुने। वह तो उद्बोधन के लिए सदा तैयार है। करिष्ये वचनम तव का भाव नहीं उभरता। अब अपनी अलापना बंद करें, उसकी सुने। गाना है तो हम भी गीता ही गाएं, लेकिन गीता भला कैसे गाएं? वह तो भगवान गाते हैं, हम तो उसकी सुने। गीता के स्वर वही जानता है, पर स्वर में स्वर हम भी मिला सकते हैं। गीता वह अपने लिए थोड़े ही गाता है, हम सब में प्राण संचार के लिए गाता है, गति देने के लिए गाता है। उन स्वरों को सुने, अंतर में झंकृत होने दें, फिर अपने आप एक सिहरन उठेंगी, होंठ फड़केंगे, पांव थिरकेंगे। यह कोई सामान्य गीत नहीं, यह तो अभियान गीत है। उस पर तबले की नहीं, कदमों की ताल दी जाती है। संगति के लिए अलाप नहीं, क्रियाकलाप संभालने पड़ते हैं। गीता वह अकेले नहीं गाता, बहुतों को साथ लेकर गाता है। उसका साथ देना जो सीख ले, वही संगति दे पाता है। उसका ढंग ही कुछ निराला है। अर्जुन ने संगति दी, तान पूरे का तार चढ़ाकर नहीं, गांडीव की प्रत्यंचा से। गुरु गोविंद सिंह ने मजीरे नहीं, तलवारे खन खनाई। उसकी संगति में विवेकानंद ने स्वर अलापा, और विनोबा के पग थिरके। हर युग में उसकी गति के अलग ढंग बनते हैं। करिष्ये वचनम तव का संकल्प जगते ही उसका ढंग अपने आप समझ में आ जाता है। पर हम गीता गाना कहाँ चाहते हैं, वह गीता कहाँ सुनना चाहते हैं, जिससे जीवन फड़क उठे और धन्य हो जाए। लेकिन जिस आनंद की लहरें उठाने के लिए हम गीत गाने का असफल प्रयोग करते रहे हैं, वह तो गीता गाने से मिलेगा। आओ इसी क्षण अपने गीत की सीमा से आगे बढ़े, उसकी गीता गाएं। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।